मिर्जापुर पुलिस ने एक ट्रक से 370 पेटी विदेशी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 50 लाख बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी हरियाणा से शराब लेकर झारखंड में ऊंचे दामों में बेचता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देख रहे हैं, ये कल हमारे थानाध्यक्ष अदलाहट, एसओजी प्रभारी और सर्वलांस टीम के एक जॉइंट ऑपरेशन में ये कार्रवाई की गई है। उसमें एक शराब की करीब 50 लाख कीमत की ये शराब और ये जो डीसीएम है, इसको बरामद पुलिस द्वारा किया गया है। ये झारखंड बिहार के तरफ ले जा रहे थे और ये लाए थे सोनीपत से, हरियाणा से। 3,300 लीटर करीब ये शराब है, 370 पेटी शराब है और इसकी अनुमानित लागत 50 लाख रुपए है। इसमें एक गिरफ्तार हुआ है, एक इसने अपने अग्रिम नाम लिखा है और शेष हमारी जांच में, अन्वेषण में जो भी आएंगे उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा।